आज अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस की प्रथम नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक रखी गई। इसमें हमारे नई दिल्ली से IYC की कोऑर्डिनेटर श्रुति जी और हमारे प्रदेश के महासचिव भाई टीकम जाट जी, प्रदेश के महासचिव काजल यादव जी और हमारे सह प्रभारी भाई प्रदेश के सचिव सुनील डूडी जी, नरेंद्र गुर्जर जी और भाई अकबर हुसैन जी, परवेश खान जी, जिले के अध्यक्ष भाई मोहित मल्होत्रा जी यहाँ उपस्थित रहे। भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आने वाले 26, 27, 28 जुलाई को बेंगलोर में होने जा रहा है, जिसके तहत आज जिला कार्यकारिणी की और विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस की भागीदारी पर चर्चा की गई और ये निश्चित किया गया कि कितने साथी यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेंगे। इसमें जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भी, पंडित जी आपका हाथ आ रहा है, विधानसभा उपाध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य। आज हमारे अजमेर शहर जिला युवा कांग्रेस के आज प्रथम मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसके अंदर हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रुति कुमारी जी, वह संभाग प्रभारी अरबाब खान जी और हमारे जिले के प्रभारी टीकम जाट जी से हमारी प्रथम बैठक में उपस्थित रहे। हमारी जो बैठक थी आज, उसके अंदर उसका जो मेन उद्देश्य ये था कि हमारे 11 साल राष्ट्रीय अधिवेशन युवा कांग्रेस का होने जा रहा है बेंगलोर के अंदर 26, 27, 28 तारीख को, जिसके अंदर पूरे राजस्थान से, पूरे देश से, प्रदेश से, जिले से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं, उसके अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आगामी 2024 जो लोकसभा चुनाव है और जो हमारे विधानसभा चुनाव है, उसके अंदर हमको सीख मिलेगी किस तरीके से कांग्रेस को भारी बहुमत से हम चुनाव जिता सकें। और साथ ही युवा कांग्रेस का एक नया हमारा कार्यक्रम जो है वो भी आज हमने उसका लॉन्चिंग करी है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। बूथ स्तर पे युवा कांग्रेस हमारी कार्यकारिणी बनाएगी और उसके साथ साथ में बूथ से होते हुए वार्ड में, वार्ड से होते हुए ब्लॉक में और ब्लॉक से होते हुए विधानसभा और जिले के अंदर युवा कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जिससे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने जो एक मिशन दिया है मिशन 156, उसमें राजस्थान युवा कांग्रेस उस 156 को साबित करेगी और अजमेर ज़िले के अंदर भी जो जो प्रण लिया है विधानसभाओं जिताने का, उन सभी विधानसभाओं को जिताकर और कांग्रेस को विजयी